जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो कंसल्टेंट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की जो नई वैकेंसी निकली है TGC 134 की, उसके बारे में बात करेंगे। TGC 133, 132 मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, तो 134 की निकल चुकी है वैकेंसी। आप देख सकते हैं, मैं सीधा यहाँ पे टाइम वेस्ट ज्यादा आपका करूंगा नहीं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पहले ही बता रहा हूँ, ताकि इससे रिलेटेड अगर कुछ भी जो आगे अपडेट वगैरह आता है उसके रोल नंबर डाउनलोड का सबकी, जो पीछे जो 133 का मैंने डाला हुआ है सब कुछ, मैंने वो सेम प्रोसेस है उसमें भी सेम है। इसमें बस कोर्स का फर्क पड़ जाता है, 133 था या 134 था। तो यहाँ पे सीधा आपने इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, कुछ नहीं करना, ऑफिशियल वेबसाइट में जाना डायरेक्ट, थर्ड पार्टी के इसमें कोई रोल नहीं है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट जाएगा इंडियन आर्मी की, तो नीचे जब आओगे तो यहाँ पे ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों, यहाँ पे दो तरह के, एक तो JCO वाला है और एक ऑफिसर्स एंट्री का है। जो हमारा TGC वाला है वो ऑफिसर्स में आता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जितने भी वैकेंसी जाएंगी नहीं, यहाँ पे ही आपको ये इस पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे JCO का मिलेगा और यहाँ पे ऑफिसर एंट्री मिलेगा, जो यहाँ पे आपने सीधा क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन जो इन्होंने निकाली है उसका आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली रीड कर सको। यहाँ पे अगर दोस्तों नीचे तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट नेपाल का होना चाहिए या फिर इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ आप इसमें पढ़ सकते हैं। एज लिमिट 20 से 27 तक, 27 है, 20 से 27 है, 1 जनवरी 2022 से, और बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2002 तक। आप चलते दोस्तों, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कौन सी लगेगी? डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आपकी जो 10th की है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे यूज होगी, तो 10th में डेट ऑफ बर्थ होगी वही यूज होगी। आपके पास दूसरा डेट ऑफ बर्थ है जो आपकी 12th में, अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ की अलग सर्टिफिकेट है और यहाँ पे 10th अलग है, तो डेट ऑफ बर्थ जो ओरिजिनल आपका है वो नहीं चलेगा, सिर्फ 10th में जो है वही चलेगा या फिर 12th में वही लगेगा। मोस्टली तो यहाँ पे 10th की लगती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए आपकी, सेम चीज, मैं इसमें ज्यादा नीचे नहीं जाऊंगा। यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए आपकी, डिग्री मतलब कि आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, या पासिंग ईयर में तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ज्यादा इसमें डिग्री नहीं जाऊंगा, यहाँ पे पूरा आप जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पे सीधा मैं आपको लेता हूँ जो मेन मेन पॉइंट है उस पर। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 10 वैकेंसी, यहाँ पे बहुत कम वैकेंसीज निकली, 10 सिविल इंजीनियरिंग की है। आर्किटेक्ट की बात करें 1 है, मैकेनिकल 2 है, इलेक्ट्रिकल 3, और यहाँ पे चलते हैं कंप्यूटर साइंस की 8 है, और यहाँ पे IT की 3 है, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की 2 है, टेलीकॉम्युनिकेशन की 1, और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की 1। नीचे चलते हैं, यहाँ पे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, क्या ये थोड़ा अभी नया निकला है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की, माइक्रोवेव की, एरोनोटिकल एयरोस्पेस की दोस्तों 1 है, बहुत कम यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है अभी। एविनोट्स की 1 है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 है, यहाँ पे फायर ऑप्टिक्स की 1 है, ये भी नया निकला, प्रोडक्शन की 1 इंस्ट्रूमेंटल। यहाँ पे पूरा टोटल की बात करें, यहाँ पे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें 1 है, और टोटल यहाँ पे टोटल है 40 वैकेंसी निकली, क्योंकि बहुत बड़ा पोस्ट है सीधा यहाँ पे। तो दिस वैकेंसीज आर इन चेंज, डिपेंड हो सकती है चेंज पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे दोस्तों कोर्स जनवरी 2022 को इसका होगा, अभी आपका जो फिलअप करोगे उसके बाद यहाँ पे 2022 तक, यानी जनवरी 2022 को आपका यहाँ पे हो जाएगा। SSC के थ्रू यहाँ पे होगा, जो होगा आपका सब कुछ ऑफर टेक्निकल का है। ग्रैंड कमीशन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे लेफ्टिनेंट, सीधे यहाँ पे लेफ्टिनेंट की रैंक पे ही आपकी होगी इंडियन आर्मी में। तो ड्यूरेशन ऑफ वीक 90, जो ट्रेनिंग की वीक से 49 वीक्स, यानी कि अगर बात करें ऑलमोस्ट 1 ईयर के आसपास हो गया। तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो प्रोवाइड आपको कर देंगे प्रोवाइड, इसकी चिंता मत करो आप। अगर इसके कंप्लीट रिलेटेड चाहिए जो 133 यहाँ पे कोर्स की जितने भी ये क्राइटेरिया सब कुछ सेम है, मैं बना के डाल दूंगा, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ। सीधा एक बार आप इसको पढ़ना, जो भी वैकेंसी वगैरह आती है गवर्नमेंट की हो प्राइवेट की ना, तो एक ना एक बार उसको पूरा पढ़ लिया करो। यहाँ पे अगर बात करें प्रमोशन क्राइटेरिया, लेफ्टिनेंट सीधा आपकी जो होगी पहले लेफ्टिनेंट की, सीधा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो सीधा लेफ्टिनेंट पे आपकी ये पोस्टिंग होगी। उसके बाद कैप्टन की बात करें तो ऑन कंप्लीशन 2 ईयर्स अगर आप कंप्लीट कर ले तो कैप्टन की, उसके बाद 3 ईयर्स कर ले तो मेजर्स की, मेजर की होगी, उसके लेफ्टिनेंट कर्नल पे जाओगे आप 13 साल बाद, उसके 26 साल की कर ले तो यहाँ पे कर्नल। उसके बाद दो तो यहाँ पे अगर बात करें तो आप जो कंडीशन वगैरह वो फुलफिल करते हो तो यहाँ पे आपकी रैंकिंग में भी सुधार हो सकता है, रैंकिंग आपकी बढ़ सकती है, उसके हिसाब से आपकी पे स्केल, पे स्केल बाद 56,500 से 1,77,500, ये डिपेंड करेगा आपकी बढ़ती रहेगी तो टाइम बाद। और यहाँ पे लास्ट अगर बात करें यहाँ पे ये तो फिक्स होती है 2.5 लाख की, जो हमारी जो हाईएस्ट लेवल की होती है लेवल 18 की। यहाँ पे पूरा ये पढ़ सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैं इतना अंदर नहीं घुसूंगा इसमें, मैं फिर कह रहा हूँ तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, आपको भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये तो
बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर एक बार आपने यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो गए तो बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे जॉइन इंडियन आर्मी NAC है, यहाँ पे जाके आप पहले लॉग इन कर लेना। मैं लॉग इन कर भी यहाँ पे कैसे कैसे हमें साइन अप करना है उसका मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने दे दिया है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, पहले तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी आईडी बनानी पड़ेगी, आपको सब कुछ यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, उसकी वीडियो बना के डाल चुका हूँ, देख लेना। फिर कह रहा हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों, ये भी पूरा सेल्फ अटैच फोटो ओरिजिनल कैरिट सिलेक्शन सेंटर में लेके जाना पड़ेगा, बिल्कुल लेके जाना पड़ेगा आपको। इसकी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, उसका जो कॉल लेटर आएगा उसकी भी मैं, ये जो TGC होगी और दोस्तों SSC के टैक की, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सेम प्रोसेस है इसमें, बस है कि वे ऑफ थ्रू वहाँ पे एंट्री करने का जो वो पाथ है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर बात करें TGC हो गया, वो SSC हो गया, तो लेकिन अगर बात करें प्रोसेस इनका बिल्कुल सेफ है, सेम प्रोसेस है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी बिल्कुल होगा, यहाँ पे चेक कर लेना कि मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे मेडिकल मनी क्या क्या कितनी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके फिजिकली भी होगा धारणा किसी बात का, तो अपने आपको फिजिकली थोड़ा फिट कर ले, क्योंकि कई बार होता है कि कैंडिडेट सब कुछ तो कर लेता है, यानी कि जो एज ए साइकोलॉजिकली या मेंटली वो प्रिपेयर होता है, लेकिन एज ए फिजिकली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, नहीं तो उसमें ही रिजेक्ट हो जाते हैं। इसका दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे कुछ ज्यादा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, एप्लीकेशन 17 तारीख से हो चुका है, ओपनिंग हो चुकी है, और यहाँ पे 15 सितंबर तक यहाँ पे इसकी ओपनिंग रहेगी। आपको इस रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें, पहले इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको पूरा पढ़ लेना, और यहाँ पे जो मैंने जो फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसकी वे वीडियो बना के मैंने डाल चुका हूँ, वहां पे जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक है। और यहाँ पे उसके बाद इसकी अपडेट आता है, तो यहाँ पे कैसे डाउनलोड करना है रोल नंबर, उसकी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ। फिर भी अगर इसकी 133 की तो बना के डाल चुका हूँ, ये 134 है, सेम प्रोसेस है, सेम जगह पे आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी नहीं होता तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। फिर मैं आपको इसमें बता देता हूँ रोल नंबर कैसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे देखिए तो वर्ष न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आपका ऑफिसर सिलेक्शन का या फिर JEE का वर्ष न्यू है, वर्ष न्यू यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा SSC टैग का। ये अगर बात करते हैं कट ऑफ परसेंटेज वगैरह आती है, यहाँ पे जाके आप बिल्कुल चेक इसमें कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियो के लिए। धन्यवाद।